आजादी के बाद से सबसे ज्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों बच्चियों के, लड़कों महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके, और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई। वैसे से जैसे लोग इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि सब्सिडीज खत्म करके सरकार जो है एक तरीके से गलत काम। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम डेवलपमेंट विद डिग्निटी कहते हैं तो फिर हज विद डिग्निटी भी होना चाहिए। इसलिए जो है वो सब्सिडी जो है वो किसी मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होता था, वो कुछ एजेंसियों का फायदा उससे होता था। मुसलमान कैसे जाएंगे सर? मतलब हमने उसके लिए जो है वो बहुत बहुत सार्थक व्यवस्था की है। हमने एम्बार्केशन प्वाइंट के भी कई जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, जहां से सस्ते दर से भी हज यात्रा पर लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो आने वाले दिनों में हम पानी के जहाज से भी हज यात्रा शुरू कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।